सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज से शरद नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज पहला दिन है और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ वो पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है और इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है, ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है कि एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया था तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, पर भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं था। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी थी और शंकर जी ने सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया पर उन्हें नहीं किया गया या वहाँ जाना उचित नहीं बताया था। पर सती माँ का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुँची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह से देखा मिली और बहनों ने उनकी बातों में व्यंग और उनका उपहास भी किया। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव है और उनकी बहनों में भी, तो दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ और वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री के नाम से उनको जाना गया। माँ पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ है। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करने वाली हैं और जो इनकी पूजा करता है उनकी रिद्धि सिद्धि वो प्राप्त होती है।